Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are absolutely great and safe at your home. Situation बहुत खराब है बाहर. So I really recommend घर पे रहो, safe रहो, कुछ काम नहीं है तो बाहर मत रखो. क्यों ही रिस्क ले रहे हो. So please घर पे रहो, safe रहो. So in today's video मैं आप लोग के साथ share करी simple and affordable skin care products जो आपको consider करना चाहिए फॉर ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए और स्पेशली टू टीनेज आउट देयर. वो लोग अभी अभी स्किन केयर रूटीन के इसमें देख रहे हैं, बिगनर्स है, उनको समझ नहीं आ रहा है कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए, क्या ले. एंड स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑयली स्किन तो उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल होता है प्रोडक्ट ढूंढना. तो ऑयली स्किन आपको कैसे पता चलेगा आपकी है. अगर आपकी स्किन सुबह उठते ही ऑयली फील हो रही है, सुबह उठते ही अपने फेस पे आप देखते हो ऑयल होता है, या फिर यू फील आपकी स्किन शाइन कर रही है, दैट मीन्स योर स्किन इज ऑयली. एंड अगर आप बार बार फेस वॉश भी कर ले, दिन में 10 बार वॉश कर ले, फिर भी थोड़े टाइम बाद आपकी स्किन ऑयली फील होती है, दैट मीन्स आप मेरे स्किन टाइप वाले हो यार. वी आर फ्रेंड्स, हम दोनों की स्किन ऑयली है. इसलिए इस वीडियो में बताने वाली हूँ सिंपल अफोर्डेबल एंड बेसिक स्किन केयर है ये जो आपके पास होना चाहिए. इसमें मैंने कुछ ऐसे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स नहीं डाले हैं, बेसिक स्किन केयर जो आपको फॉलो करना चाहिए. सो ये बताने वाली हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ. बिफोर वी गो टू द वीडियो, आप लोग से कुछ कहना चाहती हूँ. हाँ हाँ, आप ही से जो मुझे ऐसे घूर रहे ना टुकुर टुकुर, आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ प्लीज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया तो. और बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी हिट कर देना ताकि मैं ऐसे वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. और अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो गो एंड फॉलो मी ओवर देयर, मैं वहां पर भी बहुत एक्टिव हूँ. तो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. चलो, ओह शिट, सारे प्रोडक्ट्स गिर चुके हैं. बट ये है मेरा बेसिक स्किन केयर फॉर ऑयली स्किन वालों के लिए, ये सारा इसमें रखा हुआ है ताकि मैं एक एक अच्छे से बता सकूं. सो या फर्स्ट बेसिक स्किन केयर चालू करते हैं. तो फर्स्ट हमको चाहिए होती क्लेंजिंग, बिकॉज मैंने पहले भी बोला है क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कोई भी स्किन टाइप ऑन डज नॉट मैटर, क्लेंजिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर स्किन केयर रूटीन. क्लेंजिंग अच्छे से नहीं होगी तो बाकी सारे कितने भी अच्छे कर लो कोई फायदा नहीं. और क्लेंजर मेरे पास है फर्स्ट वन राइट हियर. सो दिस इज क्लीन एंड क्लियर फोमिंग फेस वॉश, वन ऑफ माई फेवरेट फेस वॉश. मैं अभी भी यूज करती हूँ. कॉलेज के टाइम पे आई यूज टू यूज हिमालय वाला बहुत ज्यादा, बट अभी आई यूज दिस वाला, मेरा फेवरेट है. ऑयली स्किन वाले के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के अंदर के एक्सेस ऑयल को निकालता है एंड मेक योर स्किन रियली रियली नाइस एंड वोंट फील ऑयली आफ्टर यूजिंग दिस. सो रियली रिकमेंड दिस वन. नेक्स्ट ऑप्शन एंड द बेसिक सबको पता होगा ये वाला इज दिस वन राइट हियर. दिस इज हिमालय प्योरिफाइंग नीम फेस वॉश. मेरे पास ये अभी छोटा है, बड़ा खत्म हो गया है, बट मेरे कॉलेज टाइम में बहुत यूज किया है ये वाला फेस वॉश. आई एक टाइम पे सबका फेवरेट था ये हिमालय का. इट्स रिटेल फॉर 65, आई थिंक इसका बड़ा पैक आता है वो 65 का ही आता है. सो इट्स वेरी अफोर्डेबल. ओ बाय द वे, इसका प्राइस था 70 रुपीज और ये 65, तो 5 रुपीज ज्यादा है. सो या थर्ड वन जो मेरे पास है वो ये वाला है. सो दिस इज एक्नेस फॉर पिम्पल प्रिवेंशन पिम्पल डिफेंस फेस वॉश. दिस इज वेरी गुड फेस वॉश, ये मेरे को बहुत पसंद आता है. स्पेशली ये समर्स के लिए बता रही हूँ, बहुत अच्छा फेस वॉश है. अगर मेंथॉल फेस वॉश है, आपकी स्किन को बहुत ठंडक देता है, तो समर्स के लिए आई रियली रिकमेंड ये वाला, जरूर एक बार ट्राई करना. आपकी स्किन में जो हीट है, एक्सेस ऑयल है, उसको निकाल देता है एंड मेक योर स्किन रियली कूल काम. सो या दिस इज द थर्ड वन आई रियली रिकमेंड एंड वन ऑफ माई फेवरेट फेस वॉश. इट्स रिटेल फॉर 99 रुपीज, सो इन बजट है, सो यू कैन ट्राई दिस वन. फेस वॉश हो गया, नाउ इट्स टाइम फॉर टोनर. जब भी फेस वॉश करके आपको एक टोनर यूज करना है नो, तो टोनर में आई हैव अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू इज दिस वन राइट हियर. ये है डाबर गुलाबरी रोज वाटर.
सो ये सभी स्किन टाइप के लिए, कोई भी स्किन टाइप इसको यूज कर सकता है। रोज वाटर बहुत अच्छा टोनर का काम करता है, तो टोनर आपको यूज करना ही चाहिए, बिकॉज टोनर आपके स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करता है, आपकी पोर्स उनको टाइटन करने में हेल्प करता है। सो टोनर इज वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड स्पेशली टू यूज अ गुड टोनर। एंड हमेशा देखो कि अल्कोहल फ्री टोनर यूज करो, बिकॉज वो अच्छा होता है। सो आई रियली रेकमेंड रोज वाटर, जरूर ट्राई कर सकते हो फॉर बिगनर्स। रोज वाटर बहुत अच्छा होता है आपके फेस के लिए, आपको कूल एंड कामिंग इफेक्ट देता है। ये सिर्फ 45 रुपीज का इतनी बड़ी बॉटल आती है, तो सोच सकते हो बहुत अफोर्डेबल है। सो या सो एक और ऑप्शन दूंगी, अगर आपको ये वाला यूज नहीं करना है रोज वाटर, यू रियली वॉन्ट टू यूज अ स्पेसिफिक टोनर, सो आई हैव बायोटिक बायो क्यूकम्बर टोनर। ये टोनर बहुत अच्छा है, एक्चुअली बायोटिक का है, बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल रेंज में आता है, इनको रिफ्रेशिंग करने में, आपके पोर्स को टाइटन करने में हेल्प करता है, एंड इट्स सुटेबल फॉर ऑयली स्किन वालों, आप आराम से यूज कर सकते हो। तो ये टोनर भी बहुत अच्छा टोनर है, यू कैन गिव इट ट्राई, ठीक है। सो या सो द थर्ड कैटेगरी इज मॉइस्चराइजर। सो मॉइस्चराइजर ढूंढना फॉर ऑयली स्किन टाइप वालों के एक स्ट्रगल ही है, बिकॉज आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली, और आपको ऐसा मॉइस्चराइजर ढूंढना है वो आपकी स्किन को ऑयली ना बनाए, बिकॉज अगर आप नॉर्मल मॉइस्चराइजर यूज करोगे जो आपकी स्किन पे ग्रीसी थिक लेयर कर देगा, तो आपका फेस बहुत ज्यादा ऑयली एंड स्टिकी लगेगा, विच डज नॉट लुक गुड। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू यूज ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, या फिर जेल फॉर्मूला वाले मॉइस्चराइजर भी आते हैं, वो यूज करना चाहिए आपको। करंटली मैं यूज कर रही हूँ ये वाला, ये है मामा अर्थ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। सो इसमें है एप्पल साइडर विनेगर, और आपको पता होगा एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा होता है ऑयली स्किन वालों के लिए, ऑयली टू एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए। ये बहुत लाइट है, नॉन ग्रीसी है, और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वन इज ये सल्फ्रेट और पैराबेन फ्री है। सो या यू कैन कंसिडर दिस वन, एंड ये 299 का आता है, और ऑफर्स में होता है तो समटाइम 200-230 समथिंग का आ जाता है, सो ये अफोर्डेबल रेंज में आता है। सो या सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास ये वाला, ये मेरे पास है पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल। ये छोटा वाला है मेरे पास, अभी बड़ा नहीं है। सो ये है, सो इन माय कॉलेज डे एलोवेरा जेल बहुत यूज किया, आई थिंक बहुत लोगों ने यूज किया होगा एलोवेरा जेल। सो एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, कि स्किन को ऑयली नहीं बनाता है, स्टिकी नहीं बनाता, विच इज ग्रेट थिंग अबाउट यूजिंग एलोवेरा जेल। सो आई रियली रेकमेंड ये वाला एलोवेरा जेल, जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा होता है। सो द नेक्स्ट थिंग आपको चाहिए इज सन प्रोटेक्शन। सो सन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होता है, क्लेंजिंग हो गया, टोनिंग हो गया, मॉइस्चराइजिंग हो गया, द लास्ट थिंग यू नीड इन योर स्किन केयर रूटीन इज सन प्रोटेक्शन। बिग यूवी रेज आपके फेस को बहुत हार्म कर सकती है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव सन प्रोटेक्शन। सो आई हैव दिस वन राइट हियर, ये है न्यूट्रिजिना अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सन ब्लॉक। ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, आई रियली लाइक दिस वन। इसमें है SPF 50+, ये है PA Rating++++, और ये आपको UVA UVB दोनों से बचाती है। आई थिंक 179 रुपीज का समथिंग ये आता है, को ही यूज करती हूँ, यू कैन कंसिडर दिस वन, बहुत अच्छा होता है। एक और ऑप्शन मेरे पास है जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, वो है लैक्टोकैलामाइन डेली सनशील्ड मैट लुक सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन भी बहुत अच्छा है, इस पे मैंने एक टॉप 5 सनस्क्रीन का वीडियो बनाया, उसमें मैंने इसके बारे में बताया। ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, SPF 50 प्रोटेक्शन है, अफोर्डेबल रेंज में आता है ये। इसका MRP आई थिंक 300 समथिंग है, और ये 180 तक का आ जाता है अगर आप ऑफर्स में देखते हो तो। ऑयली स्किन वालों के लिए आई रियली रेकमेंड कि ये वाला जरूर ट्राई कर लेना, बजट में आ रहा है, सो यू कैन कंसिडर दिस। तो ये है बेसिक स्किन केयर रूटीन, विच इज क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये 4 बेसिक स्टेप है जो आपको करने चाहिए अपने स्किन केयर रूटीन में। सो ये बेसिक स्किन केयर होता है, और उसके आगे लोग यूज करते हैं सीरम एंड एवरीथिंग, वो एसेंशियल नहीं है, वो एक्स्ट्रा यूज करते हैं हम फॉर हमारे छोटे छोटे स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं वो,
बट द बेसिक इज ये, अगर आप टीनेजर हो तो उनके लिए मैं बोलूंगी बेसिक पहले आप यूज करो, वो सारी चीजें आप बाद में यूज करने ही वाले हो ऑब्वियसली, बट अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो यू शुड यूज द बेसिक 4 स्टेप जो मैंने बताया है वो। अपार्ट फ्रॉम द बेसिक स्किन केयर रूटीन, आपको वीकली पैम्पर सेशन, पैम्परिंग सेशन भी रखना चाहिए अपनी स्किन के लिए। तो उसके लिए मेरे पास कुछ और प्रोडक्ट्स है जो मैं बताने वाली हूँ, सो या कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड, ठीक है ना, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो फर्स्ट मेरे पास है ये वाला माल्या प्यूरिफाइंग नीम स्क्रब। सो मेरे पास अभी इसका बॉटल नहीं है अवेलेबल, खत्म हो चुका है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने ये अपने कॉलेज डेज में इतना यूज किया है ना हिमालय के प्रोडक्ट्स, आई कांट टेल यू, बिकॉज अफोर्डेबल होते हैं और बहुत अच्छे से वर्क करते हैं आपके स्किन के लिए। तो इसका बड़ा ट्यूब आई थिंक 135 समथिंग का आता है, शुड कंसिडर दिस वन। सो नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास एक और, उसके अलावा एक और अगर आपको चाहिए तो ये वाला वन ऑफ माई फेवरेट स्क्रब जो मैं करंटली यूज कर रही हूँ, न्यूट्रोजना डीप क्लीन ब्लैक एलिमिनेटिंग डेली स्क्रब। ये बहुत अच्छा स्क्रब है, इट्स ए डेली स्क्रब, मैं डेली स्क्रब नहीं करती हूँ अपने फेस पे, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ पिम्पल्स, देख सकते हो आप और नहीं पिम्पल्स होते, इवन मैं अपने फेस पे स्क्रब नहीं करती हूँ डेली। इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो हेल्प करते हैं आपकी स्किन को स्क्रब करने में, बहुत माइल्ड स्क्रब है ये, बहुत हार्श नहीं है, स्पेशली फॉर ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स से आप डील कर रहे हो ना, आई रियली रिकमेंड एक बार इसको जरूर अपने रूटीन में डाल के देखो, आई लव दिस वन। दिस इज रिटेल फॉर 49 का है, ऑफर्स में ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन कंसिडर। द सेकेंड लास्ट मेरे पास है वो है फेस पैक, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन स्किन केयर, बिकॉज स्किन पैम्परिंग कर रहे हो, स्क्रबिंग कर रहे हो तो फेस पैक की जरूरत पड़ेगी। तो फेस पैक के लिए अगेन आई हैव वन ऑफ हमारा ऑल टाइम फेवरेट इज दिस है हिमालय प्योरीफाइंग नीम फेस पैक, बहुत अच्छा है ये वाला, ठीक है ना। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने वो स्क्रब इतना यूज नहीं किया होगा जितना मैंने फेस पैक यूज किया है, स्पेशली ऑन माई कॉलेज डेज, बिकॉज ही मुझे लगता था मुझे पिम्पल आने वाला है या आ गया है, मैं फेस पैक लगा के बैठ जाती थी, बिकॉज आई ट्रस्ट इतना नाइस ये फेस पैक को, आई कांट टेल यू, बहुत यूज किया है मैंने फेस पैक, मेरे पास अभी बड़ा अवेलेबल नहीं है, यही है राइट नाउ, बट दिस इज वेरी वेरी अफोर्डेबल, आपके स्किन पे जो डोट है, एक्स्ट्रा ऑयल है, वो सारे को निकाल के फेंक देगा। ऑयली स्किन वालों के लिए आई रियली रिकमेंड, फॉर टीनेजर आउट देयर, इसको ट्राई नहीं किया तो फिर क्या किया यार, इसको जरूर ट्राई करना अगर अभी तक ट्राई नहीं किया। और ऑप्शन है ये वाला, ये है मुल्तानी मिट्टी फेस पैक, ये पाउडर फेस पैक है, सो यू कैन कंसिडर अगर आप वो नहीं यूज करना चाहते पैकेट वाला, मेरे जैसे DIY यूज करते हो या नॉर्मली कुछ इतना यूज नहीं करना चाहते, तो मुल्तानी मिट्टी की रियली रिकमेंड करूंगी आपको। सिंपली आपको क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी लेनी है, रोज वाटर लेना है एंड मिक्स, और हल्दी चाहिए तो थोड़ा हल्दी डाल दो एंड मिक्स देम प्रॉपरली एंड देन यूज इट, बहुत बहुत अच्छा होता है मुल्तानी मिट्टी आपके फेस के लिए, आपके जो एक्सेस ऑयल ये सारे को निकाल के फेंक देता है। पिम्पल्स के लिए दोनों भी जो मैं बताया ना, पिम्पल्स के लिए बहुत हेल्प करता है। इसमें एक और ऑप्शन होता है कि आप नीम वाला, जरूर नीम वाला भी ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत हेल्प करता है आपके स्किन के लिए, आपके एक्ने से अगर आप डील कर रहे हो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। सो या मेरे 3 फेस पैक जो मैंने बताया, तीनों भी अच्छे हैं, जो आपको पसंद है आप यूज कर सकते हो। फॉर लिप केयर के लिए मैं बता रही हूँ वो है ये वाला, ये है VLCC का पेट्रोलियम जेली, व्हाइट पेट्रोलियम जेली, बहुत अच्छा है। वैसलीन का मेरे पास स्टिल अभी नहीं है, बट वैसलीन का अच्छा आता है, मैं मोस्टली अपने लिप के लिए यही यूज करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सिंपल है, कुछ इतना महंगा लिप बाम यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा, बहुत अच्छा वर्क करता है। सिर्फ बहुत लोगों को यही आलस होता है कि लाइक इसको खोल के ऐसे यूज करना पड़ता है, बस ये है, अदर देन बाकी आजकल लिपस्टिक वाले आते हैं, सो बहुत ज्यादा इजी पड़ता है। अगर आपको वो पसंद है तो उसमें निविया का ब्लू वाला आता है, मेरे को नाम याद नहीं है अभी, बट वो बहुत अच्छा होता है। सिंपल लिप बाम, माई फेवरेट लिप बाम इज दिस वन, मेरे को बहुत पसंद आता है, कुछ महंगा नहीं, बहुत अफोर्डेबल में आ जाता है, तो या दिस वन राइट।
यही थे मेरे बेसिक स्किन केयर प्लस वीकली पैम्परिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको लोग को बताया है, विच आर सिंपल, विच आर अफोर्डेबल फॉर ऑयली स्किन टाइप टू एक्ने प्रोन स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं इसको. सो आई रियली रिकमेंड टू कंसिडर दिस स्किन केयर प्रोडक्ट्स इन योर रूटीन इफ यू हैव ऑयली टू एक्ने प्रोन स्किन. टीनेजर आउट देयर, उनके लिए मैं जरूर बोलूंगी प्लीज ट्राई करो प्रोडक्ट्स को जो मैंने बताया है. अफोर्डेबल रेंज में तो आ ही रहे हैं बट बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, सो यू कैन कंसिडर दिस वन. सो या, सो दैट्स ऑल आई वांट टू सी इन दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. पसंद आया है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना यार, प्लीज. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो. बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी हिट कर देना ताकि मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. सो या, दैट्स ऑल आई वांट टू से इन दिस वीडियो. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन इट्स अक्षिता साइनिंग ऑफ. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एट योर होम. बाय.